हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ संजना। आज आपके लिए क्या हूँ मैं, ये बहुत ब्यूटीफुल सा मेकअप एंड मैंने दो लुक किए हैं। आई होप सो आपको पसंद आए। पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे वीडियो को। सो चलो देखते हैं मैंने ये मेकअप कैसा किया। अगर थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगे ना तो बगैर लाइक किए और सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। लोगों के साथ शेयर करेंगे तो लोगों की भी हेल्प हो पाएगी। सो पूरे वीडियो में बने रहिएगा। सो चलो देखते हैं मैंने ये मेकअप कैसे किया। सो गाइस, सबसे पहले मैंने फेस वॉश वगैरह कर लिया था एंड टोनर मैंने यूज़ कर लिया था। उसके बाद मैंने ये यूज़ किया है, वाइट टोन की क्रीम है एंड बहुत अच्छी नहीं बोलेंगे ना, बहुत बेकार है, मीडियम सी है, बहुत अच्छी नहीं बोलेंगे, बट हाँ ठीक है। सो मैं इसको पहले अपने फेस पे अप्लाई कर रही हूँ एज़ अ मॉइस्चराइज़र। सो मैंने सिरम वगैरह सब अप्लाई कर लिया था एंड ये है एब्सोल्यूट, लैक्मी एब्सोल्यूट का है ये प्राइमर है एंड काफ़ी अच्छा है। सो ये मुझे बहुत पसंद है। मेरा आई थिंक फर्स्ट प्राइमर यही था जो मुझे बहुत पसंद आया था एंड मैंने सबसे पहले इसी को परचेज़ किया था। सो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लेना चाहो तो ले सकते हो जाके जो भी प्रोडक्ट आपको लेने हो। सो इसको अच्छे से मैं अपनी स्किन पे लगा रही हूँ एंड फेस पे कि मेरा मेकअप जो है वो लॉन्ग लास्टिंग हो एंड काफ़ी अच्छा मेकअप बेस मेरा रेडी हो। सो आपको ये काम ज़रूर करना है गाइज़। एंड इसके बाद आपको करना क्या है कि आप ये चाहो तो करवा चौथ पे, पार्टी में, कहीं भी जाओ या आप दिवाली पे मेकअप आप ये कर सते हो। सो उसके बाद मैंने ये जो लिक्विड हाइलाइटर मैंने बनाया था इसका वीडियो मैंने बना रखा है, आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हो एंड इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। सो आपको आप वो भी देख सकते हो। मैं इसको इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि मेरा फेस अच्छे से हाईलाइट हो एंड काफ़ी अच्छा लगे। सो ये देखो नेचुरली ग्लो आ जाता है एंड मैंने ये पूरा मेकअप बेस जो है ना पूरा पाउंस बीबी क्रीम से किया है एंड मेरा शेड नंबर है 01 नेचुरल शेड है, काफ़ी अच्छा शेड है। एंड इससे आप मेकअप करोगे करवा चौथ में कर रहे हो, दिवाली में कर रहे हो, जब भी कर रहे हो फर्स्टेबल मेकअप लुक, सो बहुत अच्छा सा आने वाला है एंड काफ़ी लॉन्ग टाइम तक ये मेकअप आपका चलने वाला है। आप चाहे रात में करो तो सुबह तक का ये मेकअप आपका एज अ किस रहेगा। एंड उसके बाद मैंने इसको ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंडिंग की है। हाथ से इतनी अच्छी कवरेज नहीं मिल पाती, अगर आप फिंगर से ब्लेंडिंग करते हो तो इतनी अच्छी कवरेज आपको नहीं मिलेगी। एंड जो ब्यूटी ब्लेंडर से आपको कवरेज मिलती है वो फिंगर से बिल्कुल भी नहीं मिल पाती है। सो आप जब भी आप ब्लेंडिंग करिए अपने मेकअप बेस की तो आप ब्यूटी ब्लेंडर गैप ब्यूटी ब्लेंडर को आप यूज़ करिए जो कि पानी में डाल दिए, उसके बाद जो उसका एक्स्ट्रा पानी है वो सारा निकाल दीजिए एंड उसके बाद आपको ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करना होता है। सो ये देखो मैं बहुत अच्छे इसको ब्लेंडिंग कर रही हूँ और थोड़ा सा टाइम दीजिए अपने बेस को। अगर टाइम देंगे तो आपका बेस ऑलरेडी बहुत अच्छा सा लगेगा। एंड इस पर मैंने कोई भी कंसीलर नहीं यूज़ किया है। ये देखिए एज अ वही बीबी क्रीम मैंने उठाई है, उसको उठा के अपने हाइयर पॉइंट पर मैंने अप्लाई कर दिया है एंड उसके बाद बस गैप 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 और इतना ही आपको करना है। गैप गैप करके अच्छे से आपको कम्प्लीटली ब्लेंडिंग करनी है। ब्लेंडिंग पे प्रॉपर ध्यान दीजिएगा और मेकअप बेस अगर अच्छा हो जाता है ना तो पूरा मेकअप बहुत ही खूबसूरत एंड बहुत ही अच्छा दिखता है। सो मैंने ब्लेंडिंग कर ली है और नेक पे मैंने नहीं की थी। काफ़ी लोग बोलते हैं कि आपकी नेक एंड फेस अलग अलग था। गाइज ऐसा कुछ नहीं है, नेक फेस अलग अलग नहीं लगता है, बट हाँ थोड़ा सा कभी कभार ऐसा होता है कि मैं सिर्फ फेस मेकअप करती हूँ, मैं नेक पे मेकअप मैं कर नहीं करती हूँ, सो ऐसा लगता है। सो ये देख लो आप नेक पे भी आपको सिर्फ ब्लेंडिंग ही करनी है बहुत अच्छे से। सो ये देखो मैंने थोड़ी सी बीबी क्रीम लेके अपने आईज़ पे मैं एज अ जो आई शेडो अप्लाई करूँगी वो बहुत अच्छे से निखर के आए एंड बहुत अच्छा दिखने में लगे। सो कलर बहुत परफेक्ट दिखे इसलिए। सो मैंने ये वाइट टोन मैंने यूज़ किया। सो मैंने बहुत कॉस्टली प्रोडक्ट नहीं यूज़ किया, वाइट टोन का पाउडर है और आप ऑनलाइन परचेज़ करोगे बहुत अच्छे से, आई थिंक 170 के आसपास आपको ये दोनों प्रोडक्ट मिल जाते हैं। सो मैंने शायद ऐसे ही कुछ लिया था। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके ये प्रोडक्ट्स परचेज़ कर सकते हो। तो मैं अच्छे से उसी ब्यूटी ब्लेंडर से मैं सारा काम कर रही हूँ कि मैं उसी से अपने फेस पे पूरा पाउडर अप्लाई कर ले रही हूँ इसलिए कि मेकअप बेस बिल्कुल अच्छे से हो जाए एंड स्वेटिंग वगैरह की तो इस टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट कभी कभार ऐसा होता है ना जब हम काम करते हैं तो थोड़ा सा स्वेटिंग आ जाती है। तो कॉम्पैक या आप इसको अगर आपके पास कोई भी पाउडर हो तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हो। सो ये देखो मैंने इसको अप्लाई कर लिया एंड बहुत बहुत अच्छा मेकअप बेस बना था मैं आपको क्या। एंड आईज़ के नीचे मैंने थोड़ा सा बेकिंग किया है इसी पाउडर से। सो मैंने पिंक शेड लगा रही हूँ कि अगर मेरे आईज़ पे अगर मेरे गिर जाए आई शेडो तो बिल्कुल भी वर्क ना करें एंड थोड़ी सी मेरी आईज़ जो हैं वो हाईलाइट हो जाएं।
सो मैं थोड़ी देर रखूँगी, उसके बाद मैं इसको गैस स्टॉप कर दूँगी एंड काफ़ी अच्छे से। सो मैंने फिंगर की हेल्प से ही मैंने यहाँ पे यूज़ किया। मैंने सोचा ब्रश, फिर मैंने ब्रश को इग्नोर किया एंड फिंगर की हेल्प से अच्छे से मैंने सिर्फ एक शेड यूज़ किया, सिर्फ पिंक शेड है और कोई भी शेड नहीं है। एंड इसके बाद मैंने ये है जेल आईलाइनर, सो इसको मैं एज आईलाइनर यूज़ करी हूँ। आईलाइनर तो मतलब आप कोई भी लगाओ जो आपको पसंद हो। थोड़ी सी गाड़ियों की आवाज़ आ रही है एक्चुअली, सो प्लीज़ इसे इग्नोर करिएगा आप लोग। एंड मैंने अच्छे से लाइनर अप्लाई कर लूँगी। सो ऐसे आपको सिंपल, एंड इस लाइनर में सबसे अच्छी बात यह होती है कि इसको ड्राई करने की कोई चिंता नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। आप चाहे जैसे जो जैसे भी पाओ वैसे लगा लो, बहुत लॉन्ग लास्टिंग लाइनर है एंड काफ़ी अच्छा है, बहुत जल्दी ये छूटता भी नहीं है। बात ये है तो मुझे तो काफ़ी पसंद है। आप लोग बताना आपको जेल लाइनर कैसे लगते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट एक ज़रूर छोड़ना, सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड इसको मैं एज आ वाटर लाइन पर लगा रही हूँ, मैं एज आ काजल। एंड चलो अब इसको क्या स्टॉप कर देते हैं, अच्छे से हटा देते हैं इस पाउडर को। सो ये देखो आइज़ पे भी थोड़ा सा हाईलाइट हो गई। एंड इसी से मैं अपना मतलब आईब्रोज सेट करूँगी, इसी से मैं अपनी आईब्रोज को सेट कर लूँगी। एंड इससे आईब्रोज काफ़ी अच्छे से एंड काफ़ी नेचुरल और काफ़ी अच्छी लगती हैं आईब्रोज को सेट करिए। बट बहुत थोड़ा सा प्रोडक्ट लीजिए, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट आप मत लगाइएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट लगाएंगे तो ब्लैक ब्लैक सी आईब्रोज लगने लगती। बट इसका एक ब्राउन शेड भी आता है, आप उसको भी ले लोगे तो वो भी काफ़ी अच्छा है। जो ब्राउन शेड आता है वो भी काफ़ी अच्छा होता है। सो आप अगर आईब्रोज के लेना चाहते हैं तो आप ब्राउन एंड ब्लैक शेड दोनों ले सकते हो, बट मैंने ब्लू एंड ब्लैक लिया था जो बात। सो मैंने इसी को जो मैंने आइस पे अप्लाई किया था शेड, पिंक शेड, मैंने उसी को अप्लाई किया है लोअर लैस लाइन पे कि आइस हाईलाइट भी हो जाएंगी। एंड जो मैंने एज अ काजल जो है ना वो लाइनर लगाया है सो इसलिए, और फेक लेसेस जो है ना मैंने ऑफ कैमरा अप्लाई कर लिया था सो इसलिए मैंने आपको नहीं दिखाया। फिर कभी आपको बताऊंगी कि फेक लेसेस आपको कैसे अप्लाई करनी है ना, अच्छे से आपको मस्कारा को कोट कर लेना है कि आपकी फेक लेसेस जो हैं और रियल लेसेस जो है ना उनमें कोई बहुत ज़्यादा फर्क ना, डिफरेंस ना पता चले इसलिए। एंड मैंने यहाँ पर न्यूड शेड अप्लाई किया है क्योंकि न्यूड शेड बहुत अच्छा लग रहा था एंड मुझे न्यूड शेड काफ़ी पसंद आते हैं, मेरे पास बहुत सारे न्यूड शेड हैं। बात यह है सो मुझे न्यूड शेड अच्छे लगते हैं। एंड न्यूड शेड में ऐसा है कि आप कहीं भी मेकअप करके जा रहे हो, बहुत ज़्यादा कलर न्यूड शेड लगा ले तो बहुत अच्छा सर। एंड इसी से मैंने एज अ ब्लशर अप्लाई किया था, इसी को मैंने, इसी लिपस्टिक को। एंड उसके बाद मैं ये हाइलाइटर लगा रही हूँ सो काफ़ी अच्छा हाइलाइटर है। एंड जो मैंने ग्लैम 21 का आई शेडो यूज़ किया था एज आई शेडो, उसी को एज अ ब्लशर एज अ हाइलाइटर आप तीन काम उससे कर सकते हो और बहुत सारे, मैं उसका वीडियो अलग से आपके साथ शेयर कर दूँगी बहुत जल्दी। सो आप उसको परचेज़ कर सकते हो एंड बहुत अच्छा है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड बहुत अच्छा गाइस पैलेट है, ये बहुत सुंदर सा पैलेट है, आप सोच भी नहीं सकते। सो गाइस ये है मेरा फाइनल लुक, कैसा लगा आप लोग को, आप जब चाहो तब इसे कैरी कर सकते हो एंड बहुत सुंदर सा मुझे तो मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ। आप बताओ आपको मैं कैसी लगी एंड वीडियो हेल्पफुल है कि नहीं है, नहीं है तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, मैं इससे अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। हेल्पफुल हो तो शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एंड ये है मेरा दूसरा लुक पोनीटेल के साथ, सो आपको कैसा लगा प्लीज़ बताना ज़रूर। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, एंड वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए ना तो सब्सक्राइब कर देना। और बताओ क्या हाल है आप लोग के और कैसे करवा चौथ मना रहे हो, कैसे फेस्टिवल आपके जा रहे हैं, प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करके ज़रूर सब्सक्राइब करके एंड कमेंट करके ज़रूर बताना। सो बाय बाय गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।